मिर्चा नहीं चाहिए, जैसे शादी में पकड़ा हुआ था लगा सा। ये क्या? तो आप फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइज, आज का जो ब्लॉग होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास होगा, क्योंकि आज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि हम लोगों ने कौन सा रूम लिया है। और बहुत लोगों को कमेंट हो रहा था कि कहीं पे भी जा रहे हैं हम लोग तो कहीं का खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग अपने नोन में ही जाते हैं, और आगरा में भी हमारी नोन ही थी पहले, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं गए थे तो वहाँ पर। खैर, वो सब रहने देते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ का जो पीछे का बैकग्राउंड है वो आप लोगों को जब आप लोग कमेंट करेंगे कि भैया आप दिखाइए कैसा है, अब कौन सा घर है, कैसा टाइप का घर है वहाँ का लोकेशन, यहाँ का एक एक चीज़ जो है ना अल्टीमेट है। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के मैं और रंजना आज हम लोग दोनों लोग जा रहे हैं लोग आप लोगों को रूम दिखाने के लिए। और ये पता नहीं अभी लाइफ में क्या रखा है, क्या लिखा है, क्या नहीं। बहुत लोगों ने पॉजिटिव वे में बोला है कि आप लोग अपने फोकस जो है एम पे फोकस रखिए, अपना बेस्ट दीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, जो होगा उनके पे हम लोग छोड़ दिए। अभी बोलते वक्त भी थोड़ा सा रोंगटा जो खड़ा हो जा रहा है कि सच में एक बहुत बड़ा ये हम लोग स्टेप लिए हैं, जो कि हो सकता है कि हम लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग जो होता है ना मोमेंट, वो वही चीज़ है। तो खैर, चलिए आप लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। इतना अच्छा हवा बह रहा है ना, और अब थोड़ा ठंडा भी लग रहा है। तो चलिए गाइस, हम लोगों को रूम कैसा मिला था, और अभी हम लोगों को चेंज नहीं किए क्योंकि हम लोग जब चेंज करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ लगता है और कितना खर्च लगा यहाँ तक आने में। सब कुछ आप लोगों को एक ही डिटेल अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों को दिया जाएगा। तो खैर, चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग अपने रूम की तरफ एंट्री करने वाले रहते हैं तो कुछ प्लांट ऐसा लगा हुआ है जो कि रंजना को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बोलो रंजना कुछ। मुझे यहाँ का सबसे पहली बात, यहाँ पे जितना भी प्लांटेशन किया हुआ है ना, इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना। एक होता है ना, कहते हैं ना कि घर को अगर सजा कर रखो तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसको प्लांटेशन या फिर जो भी मार्केट से आप खरीद कर लाते हैं उसको अच्छे से आप डेकोरेट करके रखते हैं तो अच्छा लगता है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है इतने सारे, अब मुझे नेम नहीं पता है कि कौन क्या चीज़ है, बस देखिए आप लोग ही कमेंट कीजिएगा। ये प्लांट का कुछ अलग सा नाम है, इसका नाम शायद हम लोग के तरफ ये होता है अरवी का पत्ता इसको बोलते हैं, बाकी ये सब मुझे नेम नहीं पता। इसी में बना दिया जाएगा। चलिए गाइस, ये जो है ना, ये प्लांट का नाम नहीं पता, ये भी बहुत खूबसूरत से जो हम लोग जो रूम लिए हैं ना, जो भी रूम लिए हैं वो बहुत ही ज्यादा, मतलब वो प्रधान जी हैं। हाँ, तो हम लोग कैसे रूम लिए उसका भी आप लोगों को मैं स्टोरी बता दूंगी। बारिश अब आना शुरू होने वाला है, यहाँ बारिश नहीं हो रहा था कि जिसके वजह से आप लोग के तरफ बारिश हो रहा है सुनने में आया है। तो चलिए अभी आके लेके चलते हैं आपको। ये थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आप लोग देखते जाइए। सबसे पहले हम लोग जब यहाँ पे दिखाते हैं कि हम लोगों ने वाईफाई लगवा लिया है ताकि आप लोगों को वीडियो जो है जल्दी जल्दी हम लोग डाल सकें। तो उसका डब्बा कुछ यहाँ पे, यहाँ का जो स्पेस है ना किस लिए है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, कुछ वीडियो बना सकते हैं, कपड़ा वपड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि डर है गिर सकते हैं। तो अरे भाई, यहाँ चढ़ने के लिए नहीं, सीढ़ी बस ऐसी अड़ा दिया गया है। तो अड़ा नहीं दी गया, इस पे चढ़कर आप वहाँ पे मिर्च फरा हुआ है, आप उसको तोड़ सकते हैं। ना बोलिए तो सही ही होगा। हाँ, अब मैं बता देता हूँ, मैं एक तोड़कर दिखाऊँ क्या? हाँ हाँ, एक तोड़कर दिखाऊँ। भाई तुम फिसल जाओगे, तुम्हारा पैर टूट जाएगा। अरे इस पे चढ़कर मैं आप सबको दिखा रही हूँ, आप लीजिए कैमरामैन जी। तो यहाँ पे देखिए ये मिर्च, अच्छा ये वाला, जो कि अगर हमारे घर में अगर नहीं रहा तो यहाँ से आराम से तोड़ सकते। और यहाँ पे ये नहीं देखिए, अंदर अंदर तक पूरा मिर्च, गजब लग रहा है। वहाँ एलोवेरा भी है, चलिए अगर मुझे जरूरत होगा तो एलोवेरा भी तोड़ कर लगा जाएंगे। मिर्चा नहीं चाहिए, जैसे शादी में पकड़ा हुआ था लगा सा। ये क्या? तो अब इस डायरेक्शन से हम लोग को वीडियो बनाना था, इसलिए अब जैसे हम लोग एंट्री करेंगे ना तो आपको कुछ व्यू जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। और भी हम लोग बहुत सारा चीज़ बात किए हैं, वो भी आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ये हंसी वादिया, चलिए। तो ये है हमारा रूम,
ये जो दोनों रूम है ये मेरे एक फ्रेंड का है, जो कि ऐसा है ना कि मैं बोल दूंगा कि नहीं रहना है इसमें तो चला जाएगा, ऐसा मेरा जिगरी दोस्त है, बचपन का दोस्त, लंगोटिया जिसको बोला जाता है, लंगोटिया यार, लंगोटिया नहीं लंगोटिया यार। तो अब चलिए आइए अंदर आ जाते हैं बिना किसी देरी के। तो ये है हमारा कुछ रूम जो कि बजरंग बली के आशीर्वाद से हम लोग अब अंदर की तरफ आते हैं। तो हम लोगों ने सामान रख दिया है क्योंकि रात में हम लोग आए थे तो सोचे थे कि रात में कैसे शूट करते हैं, तो अभी मैंने रूम अपने हिसाब से कर दिया है जैसे तैसे। सबसे पहले जैसे एंट्री कर, तो गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा दो मैट्रेस, अंदर आ जाइए, दो मैट्रेस देखने को मिल रहा है जो कि एक ये है और एक ये, दोनों बेड के लिए। ये बेड भी हम लोगों को मिला है, ये कर्टन भी जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ये भी हम लोगों को मिला है, कुछ आप बताइए। हाँ यहाँ पे बाकी एक कर्टन वहाँ पे है तो वहाँ पे अभी मुझे लगाना है, बाकी जो बेड देख रहे हैं इसके अंदर हम अपना सामान भी रख सकते हैं जो भी मेरे पास अगर एक्स्ट्रा सामान हो। और सबसे मस्त चीज जो है हम लोगों को एक टेबल मिला था, टेबल पे आपको आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, खाना होगा तो भी हम लोग खा सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी पढ़ने वढ़ने वाला सामान कुछ लाए नहीं है। हाँ। तो इसमें यहाँ पे पैर रखने के लिए भी दिया है और एक चेयर जो है वो अंकल बोले हैं कि मैं बात किया तो बोले कि ठीक है। और हम लोगों को इसमें कुछ ऐसा रूम है आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ, और ठीक इसी से इसी के सटे हुए यहाँ पे आ जाइए ठीक इसी। और ये है हमारा कुछ ऐसा किचन आप दिखाइए बताइए। किचन यहाँ पे इतना, सबसे पहले तो मैं इसमें आई तो इतना ज़्यादा ही क्लीन था, और यहाँ पे ये किचन है और यहाँ और ये आई तो बाहर करती इसका इनका कहने का मतलब। इस अलमीरा को हम लोग जहाँ टेबल है वहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि इसको रख देंगे ताकि इसमें हम लोग किचन में खाना बनाए और कपड़ा भी सेम पहने अच्छा नहीं लगेगा तो वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये अलमारी कुछ ऐसा है, और दोनों ये अलमीरा। अरे वाह, दो आदमी के लिए अलग अलग दिया है और क्या चाहिए, तब तक झगड़ा ही नहीं होगा कि मेरा कपड़ा भी जी कहाँ है, हमेशा झगड़ा करते रहते कपड़े को लेकर। और अब लास्ट जो है वॉशरूम बाथरूम वो भी आप लोग को दिखाते हैं। और ये है हिमाचल, हमने वाईफाई इधर ही से ले लिया है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि बिल्कुल साइड रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस हमारा जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है जो की हिमाचल के लिए वो है गर्म पानी, और ये नहीं रहेगा ना तो आदमी एकदम बर्फ हो जाएगा। और यहाँ का पानी जो है ना 24 घंटा ठंड ही रहता है क्योंकि मौसम ही ऐसा है। कि ये इतना क्लीन बाथरूम जो है ना मतलब मिला था साफ सुथरा कि मतलब ये सब क्या दिखा रहे हैं, फिर भी ठीक है। देख लीजिए कुछ ऐसे साइज का हम लोगों का किचन है और किचन सॉरी बाथरूम है। तो इस हिसाब से आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा रूम और हम लोगों को क्या क्या चेंजेस मतलब इसमें चाहिए, क्या क्या लेना पड़ता है। हम लोगों के लिए सब कुछ नया है इसलिए आपसे मैं हम सजेशन मांग रहे हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या क्या सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग रूम टूर या होम टूर, बगल वाला रूम भी हम ही लोग का है मानिए तो, मतलब वो मेरा दोस्त है, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो कैसा लगा ये पूरा वीडियो आप लोगों को एक और बात बताते हैं कि यहाँ का व्यूज़ कैसा है। वैसे तो शाम में कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने दिखाया है इस व्यू जो कि हम लोगों को दोपहर में कैसा दिख रहा था। और भी कुछ उसमें वीडियो में आप लोगों को हम लोगों ने बात किया है जो कि रंजना के चैनल पे है जो कि है प्रिंस की रंजना। तो आप लोग ज़रूर जाके देखिए उस वीडियो को, खूब सारा प्यार दीजिएगा और अपना खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। तो जाते जाते यही कहेंगे कि और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना भी ख्याल रखिए और खूब सारा खूब मस्ती कीजिए क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलता है, लाइफ एक बार मिला है, कब किसका कब बुलाहट आएगा कुछ भी नहीं जानता। इसलिए आप लोग भी जहाँ भी रहिए खूब मस्ती कीजिए, खूब प्यार कीजिए एक दूसरे से, और पता नहीं कुछ गलत फलत होगा तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय।